बाबा साहब की जयंती के दिन जाने उनके जीवन से जुड़ी कुछ 10 रोचक बातें जो आपके प्रेरणा का कारण बनेंगी। बचपन में जब करना पड़ा भेदभाव का सामना तो बदल कर रख दिया समाज, 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 32 डिग्री में महारत हासिल की। पढ़ाई का ऐसा जुनून कि समाज को बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। लेकिन कैसे बाबा साहेब भी बन गए बाल विवाह का शिकार, जानिए आज के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में उनके जीवन से जुड़ने के लिए कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को समझनी चाहिए और जाननी भी चाहिए। तो जेडीएफ लाइव के माध्यम से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी महिलाओं के लिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। ये कुछ विचार हैं इन महान शख्सियत के जो आपको समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करा देंगे। समाज में कुछ लोग बहुत ही बहुमूल्य होते हैं जिनका समाज के प्रति योगदान अतुलनीय होता है। ऐसे अतुलनीय योगदान के लिए आज का ये दिन एक महान शख्सियत को जाता है। 14 अप्रैल यानी आज का दिवस अपने आप में बहुत विशेष है। तो 14 अप्रैल के दिन क्या है खास जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जेडीएफ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो और उसके इतिहास के बारे में आपको पता चल सके। जी हाँ, आज का दिवस जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम। वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी दिवस को मनाए जाने के पीछे उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति के बारे में जाना जाए, उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में जाना जाए, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जाना जाए, उस व्यक्ति के सहयोग और योगदान के बारे में जाना जाए। लेकिन क्योंकि आज के दिन छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे लोग छुट्टियों को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कहीं आज के दिन इस छुट्टी के दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य और उस शख्सियत की महानता को हम भूल ना जाएं। इस उद्देश्य से आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज के दिन मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ 10 रोचक तथ्य आपको बताऊंगी जो आप जानकर शायद प्रेरित होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी बचपन की शिक्षा दीक्षा या यूं कहें जीवन बहुत ही विषमताओं से गुजरा था। उन्होंने समाज में बहुत हीन भावना का सामना भी किया, लेकिन समाज की ये क्रूरता उनके जीवन उनके भविष्य के लिए मजबूती बन गई। उन्होंने ठान लिया कि समाज में जिस तरीके वो अपमानित हो रहे हैं, जिस तरीके वो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, वो इस भेदभाव को इस अपमान को जड़ से मिटा देंगे। और बस उन्होंने कमर कस ली और शिक्षा को हथियार बनाया। ये बात कुछ 10-15 साल पुरानी नहीं बल्कि ये बात तब की है जब ये देश यानी कि हिंदुस्तान परतंत्र था। ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़कर उनसे अपने तरीके से देश का संचालन करवा रही थी। ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर के सहयोग योगदान शिक्षा दीक्षा ने एक नई दिशा एक नया आयाम दिखाया हिंदुस्तान को, जिसे कभी कोई भुला नहीं सकता। और अगर बात की जाए संविधान में उनके योगदान की तो उनके योगदान के बिना भारत का संविधान कभी पूर्ण नहीं हो सकता था। उनका मुख्य योगदान भारत के संविधान में ही है। आप जब भी संविधान की पुस्तक उठाएंगे संविधान के बारे में बात करेंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वोपरि होता है। तो आइए जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ 10 रोचक बातें जिन्हें आप लोगों तक साझा करेंगे तो वो भी उनके इन विचारों से प्रेरित हो सकेंगे। जैसा कि सबको पता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी स्कूली शिक्षा में बहुत ही सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना किया था, लेकिन इस भेदभाव को उन्होंने हीनता में नहीं बल्कि अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया
और आज के दिन उन्होंने सबको अपने कार्य से, अपनी शिक्षा से प्रेरित किया है। उनके विचार महिलाओं को, पुरुषों को बराबर रखना, अल्पसंख्यकों और गरीबों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना और अन्य बहुत तरीके से सामाजिक लोगों को जागरूक करने के लिए वकालत करने के पक्ष में था। तो आइए जानते हैं इन महान शख्सियत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनके पिता का नाम राम जी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमा भाई था। बहुत हैरान करने वाली बात कि वो अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। फैक्ट नंबर 2, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में 32 अलग अलग डिग्रियां हासिल की, जिससे उन्होंने समाज में एक नई पहचान और नया आयाम स्थापित किया। फैक्ट नंबर 3, बाबा साहेब अंबेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर जी ने विषम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा। फैक्ट नंबर 4, 1908 में उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित जाति के बच्चे थे। फैक्ट नंबर 4, 1913 में एमए करने के लिए वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई करना बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहयाजी राव तृतीय से मासिक वजीफा मिलने के कारण संभव हो पाया था। फैक्ट नंबर 5, जानकर शायद आप थोड़ा सा हैरान हो, लेकिन बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में उनकी शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई थी। फैक्ट नंबर 6, 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्हें एमए की डिग्री मिली थी। फैक्ट नंबर 7, 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया था। इस आयोग का विरोध पूरे भारत में किया गया था। फैक्ट नंबर 8, भारत की आजादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त भी किया गया। फैक्ट नंबर 9, 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। फैक्ट नंबर 10, 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर दलितों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिल सकता। अंबेडकर जी ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू किए थे। तो बाबा भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए कुछ ये रोचक तथ्य उनके जन्म दिवस के दिन जानने के लिए बहुत जरूरी थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और उन्होंने जो भी भारत के संविधान के लिए, दलितों के लिए और उन सभी दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई, वो आज के दिन प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि हर व्यक्ति को समान भाव से देखना, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने से ही देश की प्रगति और उन्नति संभव है। लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात का बिगुल बजा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना सिर्फ ये उद्देश्य नहीं कि हम उनके बारे में जानें, बल्कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनके विचारों से प्रभावित हों और उसका मनन चिंतन और उसको एप्लीकेबल करें अपने समाज के ऊपर, अपने ऊपर, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। तभी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का उद्देश्य सफल होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के डे इवेंट की ये वीडियो आपको पसंद आई। इसमें से कुछ ऐसे रोचक तथ्य आपको जरूर पसंद आए होंगे, आपके लिए प्रेरणा का कारण बने होंगे। अगर बने हैं तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए और जेडीएम लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।